बंदूक में जो है ना, न तीन जिंदगियां और तीन मौत कैद है भाई। जिंदगियों का तो मरने बेरा कोई ना, पर मौत तुम तीनों की है। मैडम, लेकिन मरने वाले को कम से कम ये जानने का तो हक है ना कि वो मर क्यों रहा है। हाँ जी जी मम्मी जी, आखिर हमारा कसूर क्या है जी? नहीं मैडम, आप है बड़ी नेक, प्लीज बताइए हमारी क्या है मिस्टेक। ऐसा ना, तुम तीन चौकीदारों की जो है ना, ना इस चौकी को कोई जरूरत ना दिखे और ना ही इस दुनिया का तुम्हारी कोई जरूरत है। तो ऐसा है ना, तुम तीनों के जिंदा रहते ना हमारा तो कोई फायदा हुआ नहीं, बल्कि खड़े खड़े कमिश्नर साहब ने मन ने इतनी घनी खरी खोटी सुना दी ना, यो कहा कि हम जो है जनता की सेवा कोई ना करते, तो बाय आर यू थ्री लिविंग हैं? मैडम हम आपसे वादा करते हैं कि हम जनता की खूब सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे मैडम, उन लोगों की भी सेवा करेंगे जिन्हें सेवा की कोई जरूरत नहीं है। मैडम हम आपके सारे पाप एक ही दिन, मतलब हम हमारे सारे के सारे पाप धो डालेंगे मैडम। हाँ जी जी मम्मी जी, हम जनता की ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे कि कमिश्नर साहब खुद बुला के आपको शाबाशी देंगे। नहीं, क्योंकि जो करेगा जितनी सेवा उसको मिलेगा उतना मेवा। क्लियर है टू एवरीबॉडी? सही है फिर, चलो दांत में लगो। और चाय ले लो, चाय 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 ले लो। यो कौन हो रहा? मैडम ये हमारे चाय वाले के यहाँ काम करता है, नया नया आया है। नाम क्या था रा? राजू। भाई यो उम्र हो रही कापी किताब लेके पढ़ाई करने की, स्कूल जाने की, तू चाय बेच रहा ना, स्कूल क्यों ना जाता तू? कभी पढ़ने के बारे में सोचा ही नहीं। बेटा गुलगुले, शिक्षा का हक तो जो है ना सबको हो रहा, तो ये राजू पीछे क्यों रहे? देख बेटा राजू, थारे घर के बाजू में जो स्कूल हो रहा है ना, उसमें अपना दाखिला ले ले। ठीक है मैडम। आज से चाय बंद और पढ़ाई शुरू। सही है ना बालको? यस मैडम। भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लो जी करो यहाँ। क्षमा कीजिए। अरे ना करूंगी समा, ना तो क्या कर लेगा, ना मोटरसाइकिल चढ़ा देगा हमारे पे। अरे हम कैसे मोटरसाइकिल चढ़ा देंगे, हम तो मजबूर है ना। किसके हाथों, गरीबी लाचारी या बीमारी? अरे आप नहीं समझेंगे भाई, ये तो हमारा तकिया कलाम है, हम मजबूर है ना। वैसे हमारा नाम जनता प्रसाद मजबूर है। ओहो भाई, आज जना हमारा मूड जनता को जो है प्रसन्न करने का हो रहा भाई, जनता की सेवा ही हमारे ठाणे का लक्ष्य हो रहा है आज। तो भाई यो बता कि थारी के समस्या होगी ना, थारी बीबी भागी पड़ोसी के संग, या तू अपनी अड़ोसन को भगाने के चक्कर में हो रहा? अरे हम कैसे भागेंगे, हम मजबूर है ना। वैसे मैडम हम बंटू छंटोला महाविद्यालय में प्रोफेसर हैं हिंदी साहित्य के। और उसी विद्यालय में एक विद्यार्थी है जो कई वर्षों से एक ही कक्षा में है, अब वो हमारे सामने जब भी आता है तो प्रश्नों की छड़ी लगा देता है, हमारे पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। हमें उससे बचा लीजिए मैडम, हम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। अब हम उसकी वजह से विद्यालय जाने में डरते हैं, और कक्षा में प्रवेश करने से पहले 3 बार लघु शंका जाते हैं। कहां जाते हैं? ओह मैडम, जब भी वो हमारे सामने आता है तो कहता है गुरुजी आखिरी प्रश्न कर रहा हूं, जाता है फिर वापस आता है और बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने रख देता है। हमें तो लगता है कि हम उसे संटियों से मारे। ओहो भाई, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा कर रहा है वो? मतलब सुशील या अश्लील? वो हमसे इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो लिखा है, अलकों में पलकों में अधरों में श्वासों में, लेकिन प्रश्न पता है क्या है? वो पूछता है क्या ये सब एक ही कन्या के लिए लिखा है या 4 कन्याओं के लिए? तो आपने क्या कहा? अरे भाई हमने कहा कि ये एक ही कन्या के लिए लिखा है। तो हमसे फौरन उसने दूसरा प्रश्न किया कि हमें उस कन्या का निवास स्थान बताइए, उसका दूरभाष क्रमांक बताइए। अरे हमने उससे कहा क्या हम इस प्रकार के हैं? बालको। हाँ जी जी।
धरगला उस साले प्रश्न पूछेड़ू ने। आजा आजा। ये बस बस मैडम। नमस्ते मैडम। अरे गुरुजी आप इधर पाइन लगो गुरु। गुरुजी पाइन लगो हटो 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 बस। अरे आप गिर गए बैठ जाइए बैठ जाइए। ठीक है ठीक है। सर आप इधर कैसे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कॉलेज में, क्लासरूम में, प्रिंसिपल के ऑफिस में, लाइब्रेरी में, मैडम शुक्ला के केबिन में भी ढूंढा। आज मैडम को मिलने नहीं गए आप? तुम बस करो बस। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा हूँ आप मिल गए। इसमें मेरा एक सवाल है, उसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। हाँ ये रहा गुरुजी, ये बताइए कि प्रेम का आनंद है और आनंद का प्रेम है, तो ये दो लड़कों के बीच में क्या उस तरह के संबंध है? आपका किस तरह के? अरे उस तरह के, देखो ना लिखा है साफ साफ, प्रेम का आनंद है, आनंद का प्रेम है। ओहो, आनंद और प्रेम दोनों लड़के नहीं है। लेकिन आनंद और प्रेम दोनों लड़की भी तो नहीं है, है ना मैडम? भाई नाम क्यों रहा थारा? विद्युत विद्यार्थी। देख बालक, न बेटा न मारे लाल। भाई तू क्यों अपने सवालों के विद्युत यानी करंट इसने मार रहा है, न क्यों पढ़ रखा तू इसके पीछे? मैडम ये मेरे करियर का सवाल है, गुरुजी इसी तरह मेरे सवालों का जवाब देते रहे तो इस साल मैं पक्का पास हो जाऊंगा। मैडम ना जाने क्यों ये लड़का मुझे उतना पढ़ाकू लग नहीं रहा है जितना दिखा रहा है। देखो बेटा ये जनता प्रसाद जी मजबूर है, तुम इनको ज्यादा सताया मत करो, बड़े हैं बुजुर्ग हैं। आखिरी सवाल पूछ लो। पूछ लो पूछ पूछ। अच्छा गुरुजी एक सवाल का जवाब दीजिए, इसमें लिखा है गाय हमारी माता है, तो मेरा सवाल ये है कि तो फिर हमारा पिता कौन है? ओहो, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हारी अम्मा ही दे पाएंगी कि तुम्हारा पिता कौन है। ओ अंकल जी ऐसा है ना, बालक ने बरगला कोई ना तू, और तू सुन ले बेटा ऐसा ना, ना मैं कह दे रही हूँ तू इनको ज्यादा जो है आज से परेशान कोई नहीं करेगा, वरना हमारी चौकी के पीछे ना एक भूतों की हवेली से ना उसमें बंद कर दूंगी तने। नहीं नहीं मैं जानता हूँ गुरुजी, चलता हूँ पाई लाओ। जीते रहो। ओके अब मरो। हरी ताऊ जी अब आप खुश, अब ये आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है स्माइल। अरे ये फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा और मुझे पागल कर देगा, क्योंकि हम तो मजबूर है ना भाई। गुलगुले ना जनता की सेवा करने के लिए ना कोई आइडिया पेश करिए, वरना आपकी सेवा ना कर दूं मैं आज। आ रहा है मैडम आ रहा है, मेरे दिमाग में आपका एक चिपड़ चिपूड़ी हेल्प की पूरी आइडिया आ रहा है ना, तो तन्ने गरम कढ़ाई में पूरी संग तल दूंगी ना तब देगा तू आइडिया। मैडम देखिए सर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप कुछ दिन तक अपने कॉलेज जाइए ही नहीं। अब वो लड़के को तो सवाल पूछने की आदत है, वो रोज कॉलेज आएगा सवाल पूछेगा, लेकिन किसी और से पूछेगा, कुछ दिनों के बाद आप अपने कॉलेज चले जाइएगा फिर से। सिंपल भाई यो आइडिया तन्ने मंजूर से। अरे हम मजबूर हैं। मैडम मैडम अरे मैडम अरे बच्ची ने के बरगला रहा, मैडम इधर बैठी से दिखाई कौन दे रहा। अरे मैडम सब गड़बड़ हो गई। अरे गड़बड़ ने छोड़ ना, बड़बड़ बोल ना, उसी में तने जो है ना पीएचडी हासिल हो रही, बोल क्या समस्या होगी। मैडम क्या था रात को हम अपने बेडरूम में। बेडरूम? अरे अपनी बीबी के साथ। बीबी के साथ क्या, फटाफट बोलो। मैडम रात को हम अपने बेडरूम में बीबी के पैर दबा रहे थे, तभी अचानक डोर बेल बजी, हमने सोचा रात को इतनी देर रात गए कौन आया है, हमने जाकर डोर खोला तो सामने वही करम जला मुंह जला विद्युत खड़ा था। उसने हमसे कहा कि हम कॉलेज नहीं आ रहे इसलिए हम सवाल पूछने घर चले आए, और वो प्रश्न पूछ रहा था वो भी दबी आवाज में। सुशील या अश्लील? अरे भाई सुशील, वो भी दबी आवाज में, क्योंकि रात का समय था अंदर से, तभी हमारी बीवी ने बाहर देखा तो उसका माथा ठनका कि इतनी रात गए हमसे कोई लड़का मिलने क्यों आया है, और वो हमसे ऐसा क्या मांग रहा है कि हम मना कर रहे हैं और वो हमारे हाथ जोड़ जोड़ करके हमसे कुछ मांग रहा है। अरे हमने किसी तरह उस लड़के को वहां से टरकाया, अपनी बीवी को समझाया और फिर जाके हम दोनों सो गए। फिर फिर क्या मैडम, रात को हमारे घर के फोन की घंटी बजी, हम फौरन चौंक गए, हमने जाके फोन उठाया और कान पे लगाया तो वही विद्युत बोल रहा था, भी दबी आवाज में बात करने लगे, हमारी बीवी की नींद खुल गई,
वो चौंकी और फौरन उठ के आई और हमारे हाथ से उसका फोन छीन लिया। उसने भी कान पे लगाया और लड़के की आवाज सुनकर वो गलत फहमी का शिकार हो गई मैडम। ए ए ए ओ अंकल ओ ओ ए ए ए ए भाई गुलगुले ना इसकी करुण व्यथा मार्मिक कथा पर थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा है मैडम आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक झपड़ झोलू डोर ना खोलू आइडिया आ रहा है। अगली बार जब वो आएगा तब तुम दरवाजा खोलना ही नहीं और अपनी घंटी को भी ऑफ कर देना, बेल को ऑफ कर देना। वो थोड़ी देर वेट करेगा उसके बाद चला जाएगा। ये बोल ना यो समाधान तन्ने मंजूर से मजबूर है। ओ तारी ये किस प्रकार की केमिस्ट्री डेवलप होगी तुम दोनों में। गाना ही देखती रहेंगी यहाँ तो मेरा बैंड बच गया। भाई रोती सूरत टपकते आंसू ना के हो गया दरवाजा खोल दिया के। अरे दरवाजा नहीं खोला इसीलिए तो सब गड़बड़ हो गई। मास्टर जी आप 3 दिन आए नहीं, हमने सोचा सब ठीक हो गया होगा इसलिए हम एंजॉय कर रहे थे। अब क्या बताएं वो रात को आया और हमने दरवाजा खोला नहीं। उसके थोड़ी देर के बाद ही हम बाथरूम में क्षमा कीजिए हम लघु शंका के लिए गए तो वहां बाथरूम की खिड़की से हमने देखा मैडम कि एक हाथ अंदर आया। उस हाथ में पर्चा था, बस वो पर्चा उसने अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। उसके बाद तो हम आग बबूला और पतझड़ का झूला हो गए। हमें लगा कि हमारी धर्म पत्नी के लिए किसी ने प्रेम पत्र लिखा है। हम 2 दिन तक अपनी पत्नी से लड़ते रहे और 2 दिन के बाद हमारी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इस पर्चे को खोल के देखें कि आखिर इसमें लिखा क्या है। मैडम आपको पता है उस पर्चे में क्या लिखा था? अरे एक प्रश्न लिखा था जो इनका था। अब मैं क्या करता, आप दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे तो। चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ गुरुजी, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, थोड़ी देर में मेरी परीक्षा है। मैडम ये उतना पड़ाकू है नहीं जितना दिखा रहा है। भाई मन नहीं हो दिखे तू सराफत से जो है ना मान कोई ना रहा। मैडम ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। मैडम दे दो मास्टर जी बच्चे के सवाल का जवाब दे दो, आखिर इसकी परीक्षा का सवाल है। पूछ पुत्र पूछ, क्या पूछना चाहता पूछो। थैंक यू गुरु जी। वैसे ये सवाल इंग्लिश में है लेकिन इसका संबंध हिंदी से है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर देश माने ये तो वॉट माने क्या? क्या? हाँ वही आपसे पूछ रहा हूँ गुरुजी, वॉट माने क्या? क्या? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ गुरुजी, वॉट माने क्या? क्या? इधर मैं समझा दे रही हूँ। भाई दिस माने ये और वॉट माने क्या? रोने पे मत जाइए, ये फिर आएगा और मुझे पागल कर देगा। हम तो मजबूर है ना। बुलबुले आ रहा है मैडम, आ रहा है आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक कटर कटाला मारो ताला आइडिया आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप अपने घर की खिड़की से बाहर आइए और अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा दीजिए और कुछ दिन तक जरा खिड़की से ही ऑपरेट कीजिए। वो लड़का आएगा आपके घर पे ताला देखेगा और चला जाएगा, बस। फर्स्ट क्लास बर्थ फॉर मी भाई, ईप तो ना मंजूर से तने। हम तो मजबूर हैं। अरे भाई मैडम कहाँ है भाई मैडम? अरे यार फिर आ गए, अब क्या हो गया? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हो गया। वो फिर आया था क्या? नहीं नहीं बीवी आई थी। क्या तुम बीवी को भी जानते हो? हाँ कब से जानते हो? पिछले 10 साल से। उसे ये बात पता है? हाँ उसे भी पता है। उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? अरे ऑब्जेक्शन तो उसे शादी की पहली रात ही था लेकिन उसके बाद सुहागरात मन गई। क्या तुमने शादी भी कर ली और सुहागरात भी मना ली? हाँ क्यों? चोरी चोरी चुपके चुपके सबके सामने। वो भी वहाँ था? कौन?
वही तुम्हारा छात्र विद्युत विद्यार्थी? अरे वो वहाँ क्यों होगा? अरे शादी तो उसकी बीवी की हुई थी ना। क्या? शकुंतला उसकी बीवी है? अच्छा, बीवी का नाम शकुंतला है? अब लेकिन मेरी बीवी उसकी बीवी? नहीं नहीं, उसकी बीवी तुम्हारी बीवी। ओ, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो तुम। अरे तुम्हें तो कहा था कि बीवी आई थी। अरे लेकिन मेरी बीवी आई थी। तो उसकी बीवी कहाँ है? अरे मुझे क्या पता है? या तुमने मेरे दिमाग की हालत खराब कर दी। मैं तो मजबूर हूँ यार। मैडम मैडम, अरे मैडम, हेलो। अरे भाई मैडम, अरे मैडम, अरे मैडम, अरे क्यों गले का बजरंगी पहलवान अखाड़ा बना रखा तेने? और इस ठंडे में आए बगैर चैन कोई ना आता, तने यहाँ लड्डू बट रहे। अब मैडम चैन ही लेने तो आए हैं। अब मैडम जैसा कि आपने कहा था कि रात को दरवाजे के बाहर ताला लगा दो, हमने वैसे ही कि हमने ताला लगा दिया। अब रूठी हुई बीवी अचानक वापस आ गई रात को 1 बजे। अब आपको तो पता ही है कि देहरादून एक्सप्रेस रात को 12:30 बजे के करीब आती है। अब बीवी ने रात को 1 बजे दरवाजे के बाहर ताला लगा देखा तो उसे शक हुआ कि शायद मैं मतलब कहीं बाहर। आप तो समझती हैं ना, तो उसका शक जो है वो यकीन में बदल गया। अब बताइए, उसने मेरे घर पे तलाक के कागज भी भेजवा दिए हैं। देख भाई, मन्ने थारी समस्या का एक ही सोल्यूशन दिखे, तू अपनी जो है ना यो नौकरी छोड़ दे, वरना थारे से बीबी छूट जाएगी। लेकिन मैं करूंगा क्या भाई? मैं कराऊंगा क्या भाई? हम तो मजबूर हैं भाई। ऐसा है, हमने तो जो है ना जनता की सेवा का बीड़ा उठा रखा है, तो थारी समस्या का समाधान भी मैं करूंगी भाई। मारी नॉलेज में एक सेट्स है जिसके पास कई नौकरी के जो है ना आरक्षण आ रखे, तो मैं थारी उससे सेटिंग करवा देती हूँ, थारी नौकरी जमवा देती हूँ मैं वहाँ। बोल मंजूर तने? भाई हम तो मजबूर हैं। गुड। गुरु जी मुझे पता था मुझे यही मिलेंगे। मैं पास हो गया गुरु जी, मैं पास हो गया। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, पास है। बढ़िया यार। अच्छा चलो, मिठाई खाओ मिठाई खाओ। बेटे तुम्हारे पास होने में मुझे भी श्रेय जाता है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो हमी ने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही ने दिया एक बार। आप ही ने दिया। मिठाई खाओ मिठाई खाओ। अच्छा लगा। और तू? अरे वाह वाह वाह, ये पेड़े तो तुम बहुत बढ़िया लेकर आए हो। वैसे तुमने कुछ नौकरी वोकरी का भी सोचा है कि? अरे नौकरी तो पहले से पक्की है, हमारे पिताजी है ना उनके दोस्त के यहाँ, बस मेरे पास होने की देर थी। हाँ, बस अभी और देर मत करो और यहाँ से निकल लो। ओके। अरे बेटे जाने से पहले मेरी एक सलाह लेते जाओ। बोलो। तुम जहाँ भी नौकरी करो और तुम्हारे ऊपर जो भी अधिकारी हो उससे तमाम क्वेश्चन पूछना, हाँ ये भूलना नहीं। ओके चलो अब जाओ। जाओ। ओके। मैडम अब ये तो पास हो ही गया है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हमारी जो नौकरियां हम उसे ही करते रहे ना। हमने तो कैटरिंग सर्विस खोल रखी है, कभी आर्डर इधर तो कभी उधर। अरे मैंने SMS भी भेज दिया, उसका रिप्लाई भी आ गया, ये तो तू वही नौकरी करेगा जहाँ मैंने सेट कराई है। अरे हम तो मजबूर हैं। अरे करेंगे करेंगे। अरे आप बचाइए बचाइए मुझे, प्लीज प्लीज कोई बचाइए। अरे तू ना फिर आ गया ना चौकी ने अपना घर समझ के, क्या हो गया? हाँ यार, अब तो तुम्हारी दूसरी नौकरी भी लगवा दी और तुम्हारा वो स्टूडेंट पास भी हो गया, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अरे अब क्या है ये, अभी पता लग जाएगा। सर सर, अरे सर मेरी बात तो सुनिए, आप तो भागने लगे। बताइए ना सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। अरे तू जो है ना कतई जो है ना गोंद हो रहा ना, इसके पीछे यूं लग रहा है जैसे कुत्ते की पूंछ ना, क्यों पड़ा है इसके पीछे? अगर आप सबको याद हो तो आप सबके सामने इन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जहाँ तुम नौकरी करो तुम्हारे ऊपर जो कोई भी अधिकारी हो उससे ढेर सारे सवाल पूछना। यार तुम लोग जाके उससे पूछो, इससे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ वहाँ मेरे ऊपर जो अधिकारी है वो यही है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.